नमस्कार, मैं सोरेन सिंह, आपका स्टडी ग्रुप में स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आप इंटरनेट चला रहे हो और आपका इंटरनेट, जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हो दोस्तों, आप इस पे क्लिक मोजिला को खोलते हो, आप मोजिला को खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, और यदि आप साइट डालते हो यहाँ पे, कोई भी एक्सप्लॉइट साइट डालते हो यहाँ पे आप, तो साइट जैसे बर्ड वगैरह लिखते हैं तो थोड़ा टाइम में आता है। दोस्तों मैंने इसको कर चुका हूँ इसलिए मेरा जल्दी जल्दी आ रहा है। किसी किसी का देखा है मैंने, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि आप वो साइट डालते हैं, एक अक्षर लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, उसको काफ़ी देखना पड़ता है। दोस्तों मैंने अब इसको बताया है कि इस वीडियो में बताया कि आपको इंटरनेट फास्टर कैसे चलेगा, और आपका ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, आपका गूगल क्रोम हुआ, मोजिला हुआ, तो दोस्तों उसके लिए बताता हूँ। चलिए आप रन बॉक्स में जाइए दोस्तों, आप रन बॉक्स क्लिक करेंगे, आप रन बॉक्स खोलेंगे दोस्तों, रन बॉक्स में आपको लिखना होगा कमांड। दोस्तों यहाँ पे लिखना होगा आपको CMD। दोस्तों आप कमांड लिखेंगे, इसको आपको ओके करना होगा। दोस्तों ओके पे देखिए आपकी इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। दोस्तों आप इसमें क्या लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको कंप्यूटर इंटरनेट फास्टर करना है और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर अच्छे से चले, तो दोस्तों आपको इसमें लिखना होगा RESVR32 स्पेस ACTXVRXY.DLL। मैंने इसको इसलिए धीरे बताया कि आप इसको अच्छे से टाइप कर सकें। दोस्तों आप इसको जैसे इंटर करोगे, ये दिखा रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सर्वजीत एक्सपीड एक्सपीड हो चुका है। दोस्तों आप इसको ओके करोगे, ये हो गया है। दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, आप रनबॉक्स पे जाइए, आप रनबॉक्स को दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना होगा REGPDIT। आप जैसे दोस्तों उसको ओके करोगे, इस तरह की आपके सामने खुल जाएगी। तो उसको दोस्तों उसके बाद आपको आना होगा सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर के बाद दोस्तों आपको आना होगा विंडो में। आप विंडो देखोगे इधर कहीं स्क्रीन पे लिखा होगा नीचे की तरफ। दोस्तों आप विंडो को ये देखिए, इधर विंडो कहाँ पे लिखा है, ये दोस्तों उसकी सॉरी विंडो में नहीं आना दोस्तों, विंडो नहीं लिखा होगा। इसके बाद आपको आना है माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों उसके बाद आपको आना होगा विंडो में, आपको यहाँ पे विंडो में आना होगा, इधर देखिए आप नीचे विंडो लिखा होगा कहीं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे विंडो लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको आना है करंट वर्जन में। दोस्तों आप करंट वर्जन में आते हो, उसके बाद आपको आना होगा दोस्तों एक्सप्लोरर, जो एक्सप्लोर आपका इंटरनेट एक्सप्लोर धीरे चल रहा है उसको आपको देखना होगा। तो दोस्तों आपको एक्सप्लोर की तरफ लेके चलते हैं, ये लिखा है एक्सप्लोरर। दोस्तों आप इसको खोलोगे, फिर आपको जाना होगा रिमोट कंप्यूटर, आप रिमोट कंप्यूटर पे जाओगे दोस्तों, ये लिखा है रिमोट कंप्यूटर, इसमें जो फाइल आया है नाम स्पेस, इसके नीचे दोस्तों दो फाइल आती हैं, ये वायरस टाइप की होती है, यदि आप इसको डिलीट कर दोगे तो आपका कंप्यूटर और आपका इंटरनेट एक्सप्लोर फास्ट चलने लगेगा। और देखिए यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कमांड के थ्रू, तो दोस्तों उससे मैं डिलीट कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे मेरे फाइल नहीं दिखा रहा है। दोस्तों यदि दिखाता है तो आपको इस तरीके राइट क्लिक कीजिए, इस तरीके का बॉक्स आएगा, आपको यहाँ से डिलीट करना होगा, और आप कुछ डिलीट कर सकते हैं, इससे आपका इंटरनेट फास्ट चलेगा। तो मैं आपको आज आपको इतना ही बताऊंगा कंप्यूटर फास्ट करने के लिए और इंटरनेट को अच्छे से चलाने के लिए। तो दोस्तों मेरे को बता दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको समय समय पर ये वीडियो और टिप्स देता रहूँगा। ओके, थैंक।